नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं प्रदीप कुमार वत्स, दीप विद्या निकेतन बड़खल, फरीदाबाद स्कूल से। शिक्षा को स्तर सुधारने के लिए अभिभावक और शिक्षक दोनों ही मिलकर सुधारा जा सकता है। नैतिक शिक्षा को सुधारना सबसे पहली जिम्मेदारी तो अभिभावक की होती है शुरू से। उसके बाद अब स्कूलों में भी नैतिक शिक्षा का विषय ना के बराबर पढ़ाया जाता है, उसके लिए शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा नैतिक शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। जैसे सुबह के टाइम प्रेयर में कम से कम 10 या 5 मिनट बच्चों को डेली नैतिक शिक्षा के बारे में या समाज के बारे में बच्चों को जोर जागरूक किया जाना चाहिए। सर, यौन शिक्षा एक मेरे हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना अनुचित नहीं है। उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे फायदे के बजाय। ये काफ़ी हद तक एक अच्छा मुद्दा है, लेकिन अगर हम ये देखेंगे हमें सुविधाएं कितनी चाहिए। हम बच्चों को इसी स्कूलों में भी पढ़ाना चाहते हैं और फीस भी नहीं देना चाहते, तो वो तो बहुत मुश्किल सी बात है। छात्रों को चाहिए कि वो अपना नियमित पाठ्यक्रम जारी रखें, अपने घर पर जो है 2 घंटे से 4 घंटे जिस लायक है वो बच्चों को समय जरूर देना चाहिए। अभिभावकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को गृह कार्य कराने में हेल्प करें। नहीं भी कर सकते तो उन बच्चों के लिए अलग से टाइम टेबल जरूर निश्चित करें उनका पढ़ने का। सर, उसके लिए गुरु भी जिम्मेदार है। गुरुओं को चाहिए कि अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी गरिमा बनाने के लिए समाज में एक अच्छी अपनी छाप छोड़े। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।